दोस्तों, हमारे देश में अगर सबसे गिरी हुई कोई इंडस्ट्री है तो वो है बॉलीवुड। इनमें कोई जमीर नाम की चीज नहीं होती, कोई मोरल वैल्यूज नहीं, कोई नैतिकता नहीं। पैसों के लिए लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं, पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सबसे भिखारी अगर कोई इंडस्ट्री है तो वो यही बॉलीवुड है। ये लोग अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हमारी भारतीय सेना को क्रिटिसाइज करते हैं। इनकी फिल्मों में ये भारतीय सेना को कश्मीर में अत्याचार करने वाला बताते हैं, नक्सलवादियों को क्रांतिकारी बताते हैं, और ऊपर से यही लोग इन्हीं फिल्मों को मास्टरपीस भी कहते हैं। भले ही इस देश की जनता को वो फिल्में पसंद नहीं आए, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके लिए इनका प्रोपेगेंडा ही सर्वोपरि है और सर्वस्व है। ये लोग अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जिस देश में रहते हैं, जिस देश का खाते हैं, उसी देश की जड़ों पर ये आघात करते हैं, उसी देश की संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश पिछले कई दशकों से करते आ रहे हैं। ये लोग अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जिस देश में रहते हैं, उसी देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की भावनाओं को, आस्था को ये पैरों तले रौंदते हैं। ये सब अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर होता है। पर इनकी अगर कोई आलोचना करे, इनको अगर कोई क्रिटिसाइज करे, तो इनको बड़ी तकलीफ होती है। इन्हें लगता है कि हमें कैसे क्रिटिसाइज कर दिया। इन्हें लगता है ये जैसे किसी सातवें आसमान पर बैठे हुए, और इनको कोई क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकता, इनसे कोई सवाल पूछ ही नहीं सकता। मतलब इतना अहंकार इनमें, इन्हें लगता है ये जैसे कुछ बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं। ऊपर से फिल्में बनाकर आप क्या दिखा रहे हैं, कैसे इस देश को ही तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये सारी देश की जनता जानती है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, यार सभी के सभी थोड़ी ना ऐसे होते हैं। बिल्कुल सभी लोग खराब नहीं होते, कुछ 2-3% लोग इस इंडस्ट्री में अच्छे भी हैं, और उन 2-3% लोगों का नाम इन 97-98% लोगों की वजह से खराब भी होता है, और इस वजह से वो 2-3% लोग कुछ बोल भी नहीं पाते, विरोध भी नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें भी तो यहीं पर रहना है, उन्हें भी तो इसी इंडस्ट्री में रहना है ना, सर्वाइव करना है उन्हें भी, इसलिए वो कुछ बोल भी नहीं पाते। और इसी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा रेप्स, सबसे ज़्यादा सेक्शुअल हरासमेंट, सबसे ज़्यादा महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, और ऊपर से यही लोग हमें ज्ञान बांटते हैं फिल्मों से, बड़े बड़े लेक्चर झाड़ते हैं, और यही लोग पैसे कमाने के लिए अपनी फिल्म में ज़्यादा चले, ज़्यादा टिकट्स बिक जाए, इसके लिए ये लोग महिलाओं को एक सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, आइटम सॉन्ग्स वगैरह दिखाते हैं, महिलाओं के शरीर के उभारों पर बार 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 कैमरा घुमाएंगे, खुद ऑब्जेक्टिफाई करेंगे, ओवर सेक्शुलाइज करेंगे फीमेल कैरेक्टर्स को, और ऊपर से यही लोग समाज को ज्ञान भी बांटेंगे। मैं आज इतना गुस्से में इसलिए हूँ क्योंकि आज जो मैंने न्यूज़ पढ़ी ना, वो पढ़ने के बाद तो सच में मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ। इस देश की जनता की खून पैसे की कमाई कुछ तथाकथित सेक्युलर पार्टियां कैसे उड़ाती है, कैसे बर्बाद करती है इस देश की जनता की खून पैसे की कमाई को कुछ तथाकथित सेक्युलर पार्टियां, और वो किन पर उड़ाती है, कहां बर्बाद करती है इन पैसों को, इस इंडस्ट्री पर, इस इंडस्ट्री पर, सोचिए ऐसी इंडस्ट्री पर। चलिए, जो आज मैंने न्यूज पढ़ी वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, उसके पहले आपने पिछले साल सुना होगा योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो खैरात मिलती थी तथाकथित इन सेलिब्रिटीज को, तथाकथित स्टार्स को यूपी सरकार से, उस खैरात को बंद कर दिया था योगी जी ने। आपने कहा सबका साथ सबका विकास, लेकिन एक तबका है जो आपके साथ जुड़ा महसूस नहीं कर रहा है, और वो बहुत सारे फिल्म स्टार्स और फिल्मों से जुड़े लोग हैं जो बहुत नाराज हैं आपसे। और ये भी कहा गया कि अनुराग कश्यप शायद उनको जो वजीफा मिला करता था उत्तर प्रदेश सरकार से, उसमें हमने सब रोक दिया है। हमने देखिए खैरात बांटने की व्यवस्था हमने शासन से बंद की है। हमने कहा भी देखो ये खैरात नहीं बंटना चाहिए, चाहे वो अनुराग कश्यप हो या कोई भी हो, क्योंकि इन लोगों की आत्में खराब हो चुकी। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि भाई इस देश में करोड़ों करोड़ों किसान हैं, इतने सारे मजदूर हैं, इतने सारे मेहनत से काम करने वाले लोग हैं जो इस देश के विकास में अपना योगदान दिन रात देते हैं, उनको छोड़कर इन तथाकथित सेलिब्रिटीज को पैसे किस बात के दिए जाते थे? क्या योगदान है इनका समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए? हाँ, देश की बर्बादी में इनका क्या योगदान है वो मैं कई सारे उदाहरण दे सकता हूँ इन्हीं लोगों के। इतना ही नहीं, सैफई महोत्सव उत्तर प्रदेश में होता था आपको याद होगा, सरकारी पैसे पर होता था, समाजवादी पार्टी के द्वारा लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद किए जाते थे इसी देश की जनता के। चलिए वो छोड़िए, आज जो मैंने न्यूज पढ़ी ना वो तो इससे भी भयानक है। ये कोई 100 करोड़ के आसपास की बात नहीं है, 700 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार ने आईफा अवार्ड्स के लिए जनता के पैसे 700 करोड़ रुपए उनको एक सैंक्शन किए थे कि 700 करोड़ रुपए आईफा अवार्ड्स को दिए जाएंगे। जब ये सैंक्शन हुआ था, जब ये घोषणा की थी कमलनाथ सरकार ने, जो सिख, जो 1984 में हमारे सिख भाइयों का कत्लेआम किया था कांग्रेस पार्टी ने, उसमें इस कमलनाथ का भी नाम है। तो ऐसे ये जो इतने हत्या का आरोपी, सिख भाइयों के नरसंहार का ये जो आरोपी है कमलनाथ, उसकी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने वहां पर 700 करोड़ रुपए इस देश की जनता के इस आईफा अवार्ड को सैंक्शन किए थे, 700 करोड़ रुपए। तब शिवराज सिंह चौहान वो सत्ता में नहीं थे, तब अभी पिछले साल की ही बात है, तो उन्होंने विरोध भी किया था इस बात का
अभी शिवराज सिंह चौहान जी अभी सत्ता में आ गए हैं, तो उन्होंने वो जो 700 करोड़ रुपए थे उनको डाइवर्ट कर दिया है, वहाँ कैंसिल कर दिया है, फॉरवर्ड को नहीं दिए जाएंगे, और उनको अभी सीएम रिलीफ फंड में कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए उन पैसों का भी उपयोग किया जाने वाला है। ये बहुत खुशी की बात है। तो ऐसे इंडस्ट्री पर, ऐसे अवार्ड सेरेमनीज पर ही पैसे खर्च किए जाएंगे, और मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि भाई इन्हें ज़रूरत क्या है पैसों की, वो भी एक जनता के खून पैसे की कमाई की। बड़े किसानों की बातें करते हैं, बड़ी यही लोग बड़ी बड़ी डिंगे हाँकते हैं सोशल मीडिया पर, और 700 करोड़ रुपए एक अवार्ड सेरेमनी पर ये उड़ा रहे हैं, और इससे देश की जनता को क्या मिलेगा? कोई करोड़ों करोड़ों मतलब कोई कई 50 साल तक किसी को रोजगार मिलने वाला है इससे? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो स्टैच्यू है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उसका ये लोग विरोध करते हैं। उससे कितने करोड़ों की देश को कमाई हो रही है, कितने हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है, वो सब अलग बात है, पर उसका ये विरोध करेंगे। क्योंकि भाई इस देश में एक गांधी परिवार को छोड़कर, एक उस एक परिवार जिसकी बपो थी, जिस वो जो मानता था इस देश को, उसको छोड़कर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू कैसे बना दिया ये लोग? ये मूल प्रॉब्लम है कुछ लोगों का। पर एक अवार्ड सेरेमनी पर ये 700 करोड़ खर्च करने वाले थे, वो भी जनता की खून पैसे की कमाई का। इतने सारे ब्रांड के इनको एडवर्टाइज मिलते हैं, स्पॉन्सरशिप होती है इनके पास में, करोड़ों करोड़ों रुपए इनको मिलते हैं, तो इनको जनता की खून पैसे की कमाई की आवश्यकता क्या है? और इन पैसों का क्या होता है अवार्ड सेरेमनीज में? जितना मैंने पढ़ा है, जो मैं जानता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन जितना मैं जानता हूँ, ये जो तथाकथित सेरेमनीज होती है ना, अवार्ड सेरेमनीज, इनमें इन एक्टर्स को लाने के लिए पैसे दिए जाते हैं इन्हीं सेलिब्रिटीज को, कि आइए हमारे फंक्शन में, अवार्ड फंक्शन में। क्योंकि जितने ज़्यादा स्टार्स आएंगे, जितने ज़्यादा स्टार्स अटेंड करेंगे या जितने ज़्यादा स्टार्स परफॉर्म करेंगे, उतना टीआरपी उनको मिलेगा, उतने बड़े बड़े ब्रांड्स से उनको स्पॉन्सरशिप मिलेगी, उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, और इसके लिए इन स्टार्स को पैसे दिए जाते हैं, और इसके लिए स्टार्स निगोशिएट भी करते हैं। कुछ लोग इसके बदले वहाँ अटेंड करने के बदले अवार्ड मांगते हैं, कुछ लोग परफॉर्म करने के बदले अवार्ड मांगते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग निगोशिएट करते कि भाई आप अवार्ड दोगे या कितने पैसे दोगे, क्या दोगे, इस प्रकार से निगोशिएशन किया जाता है। और इन ये लोग वहाँ जो बड़े बड़े जगहों पर ये अवार्ड फंक्शंस वगैरह होते हैं, वहाँ जाकर ये सेलिब्रिटीज़ क्या करेंगे? बड़े बड़े 5-स्टार होटल्स में और वहाँ जाकर इंजॉय करेंगे, और मैंने तो सुना है वहाँ पर वन नाइट स्टैंड और हुकअप्स वगैरह, और पता नहीं कैसी कैसी पार्टीज और क्या क्या होता है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये सब हमारे पैसों से, और ये लोग समाज के बड़े लेक्चर झाड़ते हैं। अरे कोई है जमीर नाम की चीज़? आप लोग पैसों के लिए किस हद तक गिरोगे यार? करोड़ों करोड़ों रुपए फिल्मों से कमाते ही हो ना, फिर ऊपर से हमारी खून पैसे की कमाई किस लिए चाहिए आपको? और जो लोग ऐसे पैसों की बर्बादी का सपोर्ट करते हैं ना, वही लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का विरोध करेंगे। वही लोग उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अगर दिवाली के समय अयोध्या को सजाएगी, वहां पर लाखों दीप प्रज्वलित करेगी, ताकि वहां पर जो पर्यटन है उसका विकास हो, लोग वहां पर आए, पर्यटन का विकास हो, इसके लिए जब एक सरकार कोशिश करती है तो उसका ये विरोध करेंगे। लेकिन यही लोग सेफे महोत्सव का समर्थन करेंगे, ये लोग इस प्रकार से 700 करोड़ रुपए बर्बाद करने का समर्थन करेंगे, और उन पैसों से क्या होता है इसके हम कल्पना भी नहीं कर सकते। किस प्रकार का धांधली और कितने घिनौने घिनौने नेगोशिएशंस होते हैं, बाप रे बाप, ऐसी अवार्ड सेरेमनीज पर। मैं शिवराज सिंह चौहान जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये 700 करोड़ रुपए इस इंडस्ट्री को देने की बजाय देश के सेवा में लगाए। दोस्तों, मैंने जैसा पहले ही कहा कि कुछ लोग अच्छे भी है बॉलीवुड में, साल भर में हम देखते हैं कि 2-3 अच्छी फिल्में भी आती है, सैकड़ों फिल्मों में से 2-3 अच्छी फिल्में भी आती है साल भर में, ऐसी बात नहीं है। पर उसकी वजह से हम इनकी आलोचना ही नहीं करें, ऐसा नहीं हो सकता। इस इंडस्ट्री की भी आलोचना होनी चाहिए। ये कोई मतलब ये इन्होंने अपना एक प्रकार से, इस प्रकार से मीडिया मैनेजमेंट है इनका, इनकी प्रशंसा करने वाले, इनकी समर्थन करने वाले, इतना सारा एक पूरा इकोसिस्टम है इनका कि इनकी कोई आलोचना ही नहीं कर सकता। ये लोग खुद ही अपनी फिल्मों में खुद की बड़ाई करेंगे, खुद के ही बॉलीवुड को बहुत महान बताएंगे, खुद के स्टार्स को बहुत महान बताएंगे कि कैसे इस देश की जनता इन स्टार्स के पीछे पागल है, इनके ऊपर ये फिल्में बनाएंगे। पर मैं इस इंडस्ट्री को कहना चाहता हूँ, कोई पूछता नहीं है आपको, आपके सोशल मीडिया पर आपको फॉलो करने वाले कुछ चंद लोग होंगे या आपके आगे पीछे घूमने वाले कुछ चाटुकार होंगे, इनको छोड़कर कोई पूछता नहीं आपको। हाँ, कुछ लोग अच्छे हैं इंडस्ट्री में, उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, पर इसके लिए ये जो बचे हुए लोग हैं जो इस देश की संस्कृति को ही नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर इतने घिनौने काम यहाँ पर होते हैं, तो उसके लिए इस इंडस्ट्री की भी आलोचना होनी ही चाहिए। जय श्री राम।
वंदे मातरम।